सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में जो कि हमारे एडवांस अकाउंट्स की रखेगा नीव जी हाँ न्यू सिलेबस के अंदर सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप वन का पहला पेपर पेपर नंबर वन बात करता है एडवांस्ड अकाउंट्स की और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आप ऑलरेडी रूबरू हैं जब से हम कॉमर्स में आए हैं कोई चीज अगर हमारे लिए सेम रही है तो वो एक ही है दैट इज द अकाउंटेंसी चाहे नाम इसका बदलता रहे कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह दीजिए कभी अकाउंट्स कह दीजिए कभी कॉर्पोरेट अकाउंट्स कह दीजिए लेकिन अकाउंट्स का एसेंस वही रहता है डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट तो जी हाँ वही सब्जेक्ट हमारे पास सी इंटर के अंदर ग्रुप वन के पहले पेपर के तौर पर आता है और जैसा कि आपने आज तक अपनी छोटी छोटी क्लासेस में इस सब्जेक्ट के बारे में सुना है वही चीज यहां पर भी लागू होती है कि इस सब्जेक्ट में अगर नंबर स्कोर करने हैं तो स्काई इज द लिमिट जी हां आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं अगर आपको चैप्टर के अंदर की टेक्निक्स अच्छे से आती हैं सब कॉन्सेप्ट सब चीजें आपने अच्छे से करी हैं, देन यू कैन स्कोर एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर पेपर और आपसे पहले के जो बैचेस रहे हैं एवरी टाइम जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे नाइनटी प्लस मार्क्स तक स्कोर करते हैं जो कि सुनने में तो, तो मुश्किल लगता है लेकिन ये सच है और इस बार भी भी जो रिजल्ट डिक्लेर हुए वहां पर हमारे बहुत से बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स हासिल किए एडवांस अकाउंट्स के अंदर तो भाई आप लोग भी तैयार हो जाइए इस राइड के लिए जहां पर आप और मैं मिलकर बहुत मजे से इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और अपनी प्रिपेरेशन में चार चांद लगाने वाले हैं अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले जो हमारा लेक्चर वन था ओरिएंटेशन सेशन उसको डेफिनेटली गो थ्रू कर लिया होगा अगर बाय चांस आप नहीं कर पाए हैं नहीं किया है किसी भी कारण से तो कृपया करके पहले हमारे उस सेशन को देखा उस लेक्चर को देख लीजिए क्योंकि उस लेक्चर ने हमारे सभी आगे के लेक्चर की फाउंडेशन रखनी होती है धीरे छोटा छोटा डिटेल जो है धीरे से मैंने अपने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करी थी लेकिन आज उस चीज के बारे में और विस्तार से बात जो है करेंगे आप बच्चों का है नया सिलेबस मई 2024 में पहली बार आप लोगों को जज किया जाएगा लेकिन नवंबर 2023 से जो ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल है वहां पर सीए इंटरमीडिएट के अंदर अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया और आप बच्चों को ये नहीं पता होगा मतलब आप तो लेटेस्ट है आपको लगेगा कि यार दो सब्जेक्ट थे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट सीए इंटर ओल्ड सिलेबस में तो शायद हमेशा से ऐसा होता है होगा। जी नहीं जब मैंने सीए किया था सीए इंटरमीडिएट जब मैंने किया था टू मई के महीने में, में, 2006 में, में दिया था, लगा 2005 जुलाई जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया और उसके बाद जब हमने स्टार्ट की तैयारी का एक ही सब्जेक्ट होता था बिल्कुल आप ही की तरह सीए इंटर का उस समय पीई टू कहते थे तो ग्रुप वन का पहला पेपर अकाउंट का होता था सौ नंबर का एडवांस अकाउंट वगैरह नहीं होता था उसके बाद पीसीसी आया आई पी आया और तब जाकर इंस्टीट्यूट ने इसे अकाउंट्स के दो भाग बनाए कि भाई एक है अकाउंट्स और दूसरा है एडवांस अकाउंट मतलब अकाउंट्स की इतनी ज्यादा महत्वता जो है मानी जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि इंस्टीट्यूट तीनों ही लेवल पर चाहे वो फाउंडेशन हो या फिर लेवल नंबर टू यानी कि सी एंटर और सी फाइनल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तीनों ही जगह पर कॉमन रहता है क्योंकि कहते हैं कि सीए का जो मेन एक और है सीए का जो एक मेन चीज है वो अकाउंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है तो उसी प्रकार से यहां पर हमारे सामने एडवांस अकाउंट एडवांस अकाउंट नया नाम रखा गया पहले होता था अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट तो दोनों को मिलाकर मर्ज करके हमारे सामने नया सब्जेक्ट आ जा जाता है एडवांस अकाउंट चेंजेस क्या हुए पहले अकाउंट्स में चैप्टर्स प्लस एएस होते थे एडवांस अकाउंट में भी चैप्टर्स प्लस एएस होते थे लेकिन अब जो अकाउंट्स बनाया गया एडवांस अकाउंट जो नए सिलेबस का आ गया उसमें कुछ कुछ चैप्टर उठा लिए गए और सारे एएस एस उठा लिए गए मैं थोड़ा लिखकर जो है इसके बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा और साथ ही साथ ये भी बात करने योग्य है नया नया आज पहला पहला एक्चुअल में हमारा लेक्चर हम तो कैसा होगा कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं, वहीं कुछ जो है उत्साहित बैठे होते हैं। तो भाई पूरा उत्साह हमें बनाए रखना है जो लोग गंभीर मुद्रा में बैठे हैं थोड़ा सा भी बेचैन है बेचैनी को दूर कीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए और चेहरे पर एक स्माइल लेकर आइए क्योंकि मुस्कुराइए साहब आप सीए इंटर में हैं और आप टीआरसी के लेक्चर में है सी राहुल करके लेक्चर में है टेंशन लेना हमारा बनता नहीं है एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जो है इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आज फिर एक बढ़िया सा चैप्टर भी आपके साथ जो हम स्टार्ट करेंगे ओके सो हम थोड़ा सा इसके अगर बैकग्राउंड में जाते हैं देर यूज टू बी अकाउंट इन दी ओल्ड सिलेबस इन ग्रुप वन पहला पेपर एंड देर यूज टू बी एडवांस्ड अकाउंट्स सो so, इसकी अगर बाउंड्री की बात करें अकाउंट्स के अंदर होते थे चैप्टर्स प्लस एडवांस्ड अकाउंट के अंदर होते थे चैप्टर्स प्लस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स का मतलब होगा जो स्पेसिफिकली एस के साथ संबंधित नहीं है इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं ग्रुप वन के अंदर अगर मैं परसेंटेज प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप मानकर चलिए सत्तर प्रतिशत कंटेंट चैप्टर्स का था

अकाउंटिंग टू बी वेरी प्रोसाइज इंस्टीट्यूट जो अपने सिलेबस में नाम लिखता है इस subject का that is the advanced accounting, ये नाम है है अब इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखने योग्य बात है इसको प्रुण 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 ये जो भी यहां से एएस थे और जो यहां से एएस थे ये एज इट इज पूरे हंड्रेड परसेंट ए ले आए गए हंड्रेड परसेंट ए एस का मतलब हो गया जितने ग्रुप वन के एस थे सारे के सारे आपको अब लागू हो गए जितने ग्रुप टू में ओल्ड सिलेबस में एडवांस अकाउंट्स में AS होते थे वो भी हो गए कुछ ए एस ऐसे थे जो ना ग्रुप वन में थे ना ग्रुप टू में थे <laughs> मतलब इंस्टीट्यूट ने ए तो बनाए लेकिन इंस्टीट्यूट ना तो वो उनको ग्रुप वन में पूछता था ना ग्रुप टू में पूछता था वो एडिशनल ए भी अब आपके सिलेबस में आ गए तो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं एडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब ये भी हमारे सिलेबस के अंदर आ गए हैं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हमने पहले करी कि एडवांस्ड अकाउंट्स के अंदर नए सिलेबस में पुराने ग्रुप 1 वाले सारे एएस ग्रुप 2 के सारे एएस और जो बच गए थे वो भी सारे एएस ले आए गए यानी कि कहने का मतलब सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब पढ़ाए जाएंगे वहीं अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर्स की कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन चैप्टर्स यहाँ होते थे और नाइन चैप्टर्स यहाँ होते थे टोटल कितने ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स टोटल हो गए ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स उसमें से इसके लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं समझने के लिए हमें आसान रहेगा चैप्टर्स की अगर बात करता हूँ चैप्टर्स की अगर बात करता हूं कि ओल्ड सिलेबस से कितने चैप्टर्स लेकर आए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लीजिए। so, अगर की बात करते हैं पुराने के ग्रुप वन से जो आए हमारे में 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 से आप में से आप मानकर चलिए और के भी अप्रोक्सीमेटली फोर चैप्टर सिर्फ उठकर आए हैं यानी कि न्यू सिलेबस के अंदर जो मेन फोकस रखा गया है दैट इज ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है एक हो गया भाई चैप्टर्स और दूसरा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा जब आप मेरे साथ इस बैच में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले जो है चैप्टर्स करेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा जो चैप्टर्स हैं, दिखने, दिखने में लग रहा है

हमने अपने आर एस ए के साथ वर्ड लगाए क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस दैट वी आर हेयर टू गिव यू द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ क्लासेस आपको हमसे पढ़कर लगना चाहिए कि यस आई कैन अचीव दिस थिंग बच्चे कई बार अपना एम छोटा रखते हैं सीए का कोर्स ऐसा है जहां पर डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा है मोटिवेट करने वालों से जिस किसी को बताओगे सीए कर रहे हो पहली चीज बंदा सोचेगा मन में तुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई मतलब डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा है तो बच्चे का सपना कई बार छोटा हो जाता है बच्चा कह बस बस यार आ आ आ जाए 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 सब्जेक्ट में या बस 60 तो वो सपना लेकर आपने मेरे साथ नहीं बैठना, अगर किसी का वो सपना है भी है तो वो सपना में चेंज करवा दूंगा जब आप मेरे साथ पढ़ोगे आपका एम खुद ब खुद हाई होता जाएगा और हम हमेशा मानते हैं आर एस ए में हम हमेशा इस चीज पर बिलीव करते हैं कि ज्ञान एक लर्निंग आपकी एजुकेशन ऐसी चीज है जो कि आपसे कभी भी कोई नहीं ले सकता ये एक ऐसा एसेट है जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है और हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान ही परम बल है अकॉर्डिंगली वी गो विद दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स ज्ञानन परमम बलम तो जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे आप इन चीजों को डेली लेक्चर में फील करेंगे और जिएंगे हमारे साथ चलिए मैं आपको वापस से लेकर चलता हूं हमारे सब्जेक्ट मैटर पर हम बात कर रहे थे एडवांस्ड अकाउंट्स की ब्रीफ हमने समझ लिया है जो सब्जेक्ट है उसकी हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है वी डेफिनेटली शुड बी अवेयर अबाउट कि अगर हमारा न्यू कोर्स आया तो पहले क्या था और अब क्या है क्या चेंजेस एक्सेट्रा इसमें हुए हैं बच्चों को हमेशा से एक चीज जो है जैसी कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है बड़ी जिज्ञासा रहती है जानने की कि यार ये नया नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है इसमें कितने चैप्टर होंगे कौन कौन से चैप्टर होंगे क्या सर ये हमें बताएंगे जी हाँ तो आज

मेरी आपसे कुछ उम्मीदें हैं एक्सपेक्टेशन है जिसके बारे में मैंने ओरिएंटेशन सेशन है बहुत डिटेल में बताया था आपको उन चीजों को हमेशा से अपने जहन में रखना है डेली बेस पर यू हैव टू टू कैटर दोज पॉइंट्स एंड देन द रिजल्ट्स दे विल बी डेफिनेटली एंड जॉयफुल ये लीजिए सो so, हम एडवांस्ड अकाउंट्स में एक बाउंड्री अपनी सेट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर्स का नामकरण करने जा रहे हैं आइए जी एडवांस्ड अकाउंटिंग सेम नेम एज हैज गिवन टू दिस सब्जेक्ट बाय द सी एडवांस्ड अकाउंटिंग डेली डेली में जब हम बातचीत करेंगे तो जरूरी नहीं हम एडवांस अकाउंट्स बार बार बोलेंगे हम ऐसा नाम बोलेंगे जो कि यूज करना नॉर्मल पार्लेंस में आसान हो तो अगर मैं अकाउंट्स बोल रहा हूं तो समझ जाना कि मैं एडवांस्ड अकाउंट्स ही बोल रहा हूं ठीक है ये लीजिए एडवांस्ड अकाउंट्स हमारे सामने तैयार है सबसे पहला चैप्टर उम्मीद करता हूं स्क्रीन पर सब देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर वन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर नंबर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ने जो न्यू सिलेबस मतलब जो न्यू कोर्स जब स्कीम के अंतर्गत अनाउंस किया और जब पहली बार सिलेबस डिस्क्लोज किया वहां पर सिलेबस के अंतर्गत पहला जब स्टार्ट हुआ ए एस वन एस टू एस थ्री ए एस फोर ए एस फाइव ए एस एस चलते कुछ चैप्टर्स के नाम आए उन चैप्टर्स में ये वाला चैप्टर नहीं नहीं है है अब बच्चे कहेंगे सर अगर चैप्टर तो आप करा के रो। कहानी तो सुनो कहानी तो सुनो <coughs> वहां पर इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नहीं रखा सुनना बड़ी मजेदार बात है ओल्ड सिलेबस के अंदर ग्रुप वन में अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाते हो पुराने सिलेबस के भी मॉड्यूल्स एक्सेट्रा वहां पर उपलब्ध है अगर आप ओल्ड सिलेबस में क्लिक करके जाते हो तो आपको ना वहां पर एक चैप्टर मिलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेकिन नए सिलेबस में इसका चैप्टर नहीं रखा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डील करने के लिए ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्टीन ए एस नंबर तेरह लेकिन ए एस के अंदर बहुत ही कम बातचीत की गई है उसके अलावा जो मेन बातचीत है वो चैप्टर के अंदर खुलकर की जाती है तो पहले क्या होता था इंस्टीट्यूट ने ना चैप्टर अलग बनाया हुआ था सारी चीजें चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती थी और एस थर्टी में बड़ा कम टाइम लगता था एस थर्टीन फटाक से हो जाता था लेकिन जब नया मॉड्यूल आया इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट चैप्टर को चैप्टर की लिस्ट से तो निकाल दिया और जब हमने उस एस नंबर थर्टीन के अंदर जाकर कंटेंट देखा तो इंस्टीट्यूट ने ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कुछ क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन अगर मान लो पहले दस क्वेश्चन होते थे तो इंस्टीट्यूट ने दो क्वेश्चन सिर्फ मॉड्यूल में उसमें डाल दिए ए एस थर्टीन के अंतर्गत लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन है जिसको करने के लिए आपको चैप्टर की फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए तो इंस्टीट्यूट ने घुमा फिराकर उसको ए एस थर्टीन में डाल दिया लेकिन ये चैप्टर का अपना वजूद है इस चैप्टर से बहुत जबरदस्त मार्क्स का एग्जाम में आता है पेपर तो हम इसको अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि अलग से डिजर्व करता है

सब यहां पर बातचीत की जाएगी और यही वो चैप्टर है जो कि आज हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का उसके बाद आता है जी चैप्टर नंबर दो चैप्टर नंबर दो चैप्टर पुराने सिलेबस के ग्रुप वन में होता था ब्रांच अकाउंट्स लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ मैंने बताया था एक बार फिर से रिट्रेट कर दू भाई कि एक बार फिर से रिट्रेट कर देता हूं जब हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा जब बैच ओवर हो जाएगा आपके क्लास पजल के इतने सारे रजिस्टर्स भर चुके होंगे होमवर्क कर करके इतना कुछ भर चुका होगा जो कि डेली हम क्लास में चेक करते रहेंगे उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपके पास सबसे लाभदायक एक ही चीज होगी वो होगा आपका रजिस्टर आपके नोट्स तो आपने ये प्रण ले लेना है कि आपने अपने नोट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बनाना है मेंटेन करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन सो देट जब रिविजन करने बैठो तो आपके पास हर एक चीज लिखित में हो और आपको ईजिल समझ आ जाए मैंने अक्सर ऐसा देखा है बच्चों को रिविजन में डाउट्स आते हैं और बच्चे रिवीजन में डाउट इसलिए आते हैं क्योंकि जब क्लास में लिखवाता हूं मैं जब सारी चीजें लिखनी होती हैं तो बच्चे वहां पर स्किप कर जाते हैं सोचते हैं कि याद रहेगा जबकि वो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी उस दिन याद है अगले दिन याद है शायद एक हफ्ते तक याद रह जाए लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं इतने सारे सब्जेक्ट है इतना सारा कंटेंट है सी ये इंटर में भाई तो आज की पढ़ाई हुई चीज चार महीने बाद अगर नहीं लिखोगे तो याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हर एक चीज को लिखना है और ये भी उम्मीद करता हूं आप अपने सामने अपने पास भी ये इंडेक्स बना रहे हैं इन योर न्यू रजिस्टर नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज नंबर थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इस चैप्टर के अंदर भी अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नहीं कहूंगा डिलीशन है एक चैप्टर होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर ना टॉपिक्स होते थे सब टॉपिक्स कहते हैं हम उसको जिसमें पहला होता था मैनेजर रेमोनरेशन फिर होता था डिविडेंट डिक्लेरेशन से संबंधित प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट

हो गया पढ़ा होगा जब हम क्लास ट्वेल्थ में थे हमें ये ये चैप्टर होता होता था था फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट कैश हमारे में होता था। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है हम तो करने वाले हैं लेकिन शायद पर हो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये हो गई जी चार चैप्टर इन चार चैप्टर का अपना वजूद क्योंकि

उसके बाद चैप्टर आ जाते जी बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज ये चैप्टर ग्रुप टू में होता था लेकिन इतना सा नहीं था पूरा नाम पता क्या था इसका बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट और अब वो वाला चीज निकाल दिया गया मैं फिर भी लिखकर उसको कट करना चाहूंगा क्या होता था पहले बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड क्विटी शेयर विद डिशियल राइट ये कुछ चेंजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनको अगर हम कर कट करेंगे तो तो ज्यादा बेटर होगा नहीं पता चला आपने कहीं पर पिछले किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन देख लिया और या कोई नाम पढ़ लिया आपको यार ये चीज तो हमारे टीचर ने कराई नहीं तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है आप सब इसे लिखकर काटेंगे आप सभी से लेकर कट करेंगे मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं बताता ही ना कि ऐसा कुछ होता है लेकिन नहीं सिलेबस अभी अभी चेंज हुआ है हमारे लिए जानना आवश्यक है कि यार इस चैप्टर में पहले क्या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं था था जो अब नहीं रहा तो बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज बस इतनी सी बात रह गई रहेगी इक्विटीशियर डिफरेंशियल राइट अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उसके बाद आता है जी चैप्टर नंबर छ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ने जब नया सिलेबस पहली बार डिस्क्लोज किया जनरल पब्लिक के सामने जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस नाम से नहीं है रीजन क्या है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको डाल दिया ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है कैश फ्लो का नाम है बाईबैक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं है बताऊंगा एक मिनट रुके रहिए पहले अगले चैप्टर लिख दो इन दोनों को कंबाइंड बताऊंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया इसके बाद लिखेंगे बेटा अमलगामेशन, अमलगामेशन, अमलगामेशन इस चैप्टर का नाम भी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली नहीं लिखा इंस्टीट्यूट ने लिखा क्या है नाम इंस्टीट्यूट ने लिखकर छोड़ दिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी सिलेबस में इतना लिखकर छोड़ दिया देखने से लगा यार इंटरनल की बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं फिर जब हमने मॉड्यूल्स को डिटेल में देखा क्योंकि जब इतने सारे ए एस डाल दिए सारे के सर तो हमें लगा कंटेंट चैप्टर का कुछ कम किया होगा लेकिन न इंटरनल भी है और अमागा में मॉड्यूल के अंदर दोनों चैप्टर है अपने अपने नाम से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगा मेशन पॉपुलर नेम है अदरवाइज इसको अदरवाइज इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं पॉपुलर नेम अमलगमेशन है जब आप मेरे साथ आगे चलकर ये चैप्टर करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड और उसका जो मीनिंग है एक्चुअल डिफाइंड वर्ड है डिफाइंड वर्जन है वो भी सिखाऊंगा लेकिन पॉपुलर नेम है अमलगमेशन और जानकर आपको ये भी खुशी होगी असंभव लगेगा जो भी होगा बट ये जानने योग्य बात है कि इस मैटर के लिए अमलगमेशन के लिए देर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 एज वेल well. लेकिन ए एस को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि जितनी भी बातचीत है वो सारी की सारी अमलगमेशन में ही कर ली जाती और ये सभी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाल बहुत कुछ है इन चैप्टर्स के अंदर बड़ी खतरनाक जोरदार प्रैक्टिस में करवाता हूँ बच्चों को और हमारा बच्चा हमेशा एक ही चीज कहता है कि राहुल सर ने अगर पढ़ा दिया एग्जाम में जैसा मर्जी पेपर आ जाए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मुश्किल से मुश्किल आ जाए हम हल कर लेंगे क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं आपको ईजी से लेकर टिपिकल तक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता हूं ग्रेजुअली और आपको इस लेवल तक तैयार कर देता हूं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आपने हार हारने उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से क्योंकि हमारी पूरी स्टडी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड होती है और उसके बाद लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस वो आपको आने वाले लेक्चर में पता चलता रहेगा जब होमवर्क भी करोगे और क्लास में भी काम करोगे उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आता है जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चैप्टर को होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के नाम से भी जाना जा सकता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कंपनी कहो

ये पुराने सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंट्स का हिस्सा थे यानी कि ग्रुप टू के अंदर आते थे इसके अलावा भी इसके अलावा भी ग्रुप टू में कई सारे चैप्टर होते थे जैसे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ई सॉप स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एडवांस्ड पार्टनरशिप तो वो चैप्टर्स पांच के पांच अब हमें नहीं पढ़ने हैं वो हमारे सिलेबस से गायब हो गए लेकिन उसके अलावा चार चैप्टर होते थे जो सिलेबस में ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये हो गए हमारे आठ चैप्टर जिनके ऊपर हमें खूब सारा समय क्लास में लगेगा और एक चैप्टर और है जो कि चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं कह देते हैं एक लेक्चर का चैप्टर है फ्रेमवर्क फॉर फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल statements, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नाम भी लिख लेंगे जी अपने सामने फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में से बहुत कम केस में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल आता है अगर आते पांच नंबर से ज्यादा का नहीं आता

नौ चैप्टर मिलेंगे जो कि दोनों ऐसी बुक्स हैं जिसको हम डेली बेस पर यूज करेंगे क्लास पजल वाली किताब को यूज करेंगे क्लास में करने के लिए और जो होम पजल वाली किताब होगी उसको यूज किया जाएगा मैं डेली आपको होमवर्क दूंगा उसमें से और वो वाला होमवर्क आप करके आएंगे घर से जिसका हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो ये हमारी बाउंड्री है करने जिसमें से मैंने कहा मैंने उसी हायर में चैप्टर को लिखे जिस हायर में करने वाले यानी कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा सात आठ लेक्चर तक चलेगा फिर हम ब्रांच अकाउंट पर आ जाएंगे उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन कैश फ्लो अकॉर्डिंगली अंतिम चैप्टर तक हम जाएंगे ठीक है नाइज अब सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है जी चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या लगता है हमें इस चैप्टर का नाम सुनने से जहन में क्या आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इस चैप्टर को इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कह लो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कह लो इन्वेस्टमेंट कह लो सबका एक ही मतलब है पॉपुलरली इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम कहेंगे इसको इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि अपने पैसे को कहीं पर लगा देना कि बदले में हमें कुछ रिटर्न आ जाए अपने पैसे को इस तरह से कहीं पर अपनी पूंजी को लगा देना कि टाइम टू टाइम हमें आइडल तो हम हमने क्या क्या? हमने आपको लग रहा है कि यार हम इस पैसे को ना फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं हम इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए बड़ा ही अच्छा सा पैकेज आपका लग गया हर महीने सैलरी हमें आने लगी

इन्वेस्टमेंट के कई सारे एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में कर सकते हैं आपके पास पैसा पड़ा है है आपने कहा भाई ये ये लैंड लैंड बड़ी सही है, ये खरीद लेते हैं आजकल लैंड के रेट वैसे ही बढ़ रहे हैं लैंड मतलब जमीन खरीद ली बिल्डिंग नहीं खरीदी जमीन खरीद ली आपने कहा यहां से ना मेट्रो निकलने वाली है यहां मैं लैंड ले लेता हूं तो कुछ समय के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे आप उसको बेचकर गेन करेंगे या फिर आपके पैसे आपने कहा यार कहीं ना फ्लैट लेकर रख लेते हैं फ्यूचर के लिए या फिर कॉमर्शियल शोरूम ले लेते हैं कोमर्शियल शॉप ले लेते ले हैं ले ले, ले 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 ले, हर महीने रेंट कमाएंगे तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी यूजली लैंड एंड बिल्डिंग और गोल्ड दोनों ही बड़े ही ट्रेडिशनल जो है रहे हैं इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्योंकि जो पर्सन इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर को ये लगता है कि इन दोनों जगह पर अगर मैंने पैसा डाला तो रिस्क बहुत कम है कहीं अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा डाला और वो लैंड एंड बिल्डिंग कीमत फ्यूचर में नॉर्मली कम होते हुए नहीं दिखती हमेशा ऐसे ही सुनते आए हैं कि भाई इतने की चीज ली थी कुछ साल के बाद इतने रुपए की होगी मतलब इसका प्राइस बढ़ गया जब बात आती है गोल्ड की तो हिस्ट्री में कभी ही शायद ऐसा होगा जब गोल्ड के रेट कम होंगे अदरवाइज अमूमन गोल्ड के रेट बढ़ते ही रहते हैं फ्यूचर में मतलब आज जो रेट है एक साल के बाद गोल्ड का रेट उससे ज्यादा होगा और उसके एक साल बाद उससे भी ज्यादा होगा तो ये दोनों बड़े ही ट्रेडिशनल एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के जिसको इन्वेस्टर पसंद करता है लेकिन हम यहां अपने सिलेबस में जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज आपके पास पैसे हैं आपको लग रहा है कि यार मैं किसी कंपनी के यारे खरीद लू मैं किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लूं, सरकार के बॉन्ड्स खरीद लूं, सरकार समय समय पर अपने बॉन्ड्स इशू करती है टू तो रेज द मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो आपको लग रहा है कि यार मैं यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूं जब गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे की रिटर्न की हंड्रेड परसेंट गारी है रिटर्न थोड़ी कम है लेकिन रिस्क नहीं है वहीं अगर आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग द रिस्क लेकिन वहां पर फिर रिटर्न के मायने भी ज्यादा है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी आपकी ज्यादा रहती है जो एक स्कोप है रिटर्न का वो ज्यादा वहां पर रहता है जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं सवाल ये उठते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो करनी है वो किसके बिहाफ से करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई एक वो पार्टी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरा जिसके पास इन्वेस्टमेंट कर रही है तो मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरा नाम है इन्वेस्टर और जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो दूसरी पार्टी होगी उसका नाम रख दिया जी पार्टी नंबर टू अब हमें और मैंने क्या कहा हमारे की जो है, in shares, bonds, तो के लिए मैं रख देते, कहीं, कहीं, किसी, किसी सवाल में आपको गवर्नमेंट भी दिखेगा लेकिन समझने के परपज हम कहते हैं इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया और दूसरा कौन है कंपनी है अब सवाल उठा किसके व्यू पॉइंट से बात करनी कंपनी के कंपनी के व्यू पॉइंट से तो साफ बात कर है आपने अगर कंपनी में पैसा लगा दिया मान लीजिए कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ शेयर फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर ओपन किया और आपने जाकर फटाक से शेयर डिबेंचर ले लिए कंपनी की एंट्री करती थी बचपन में सीख कर आए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर शेयर एप्लीकेशन और फिर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, रिसीव, रिसीव शेयर अलॉटमेंट शेयर फाइनल कॉल शेयर फर्स्ट कॉल ये वो, वो सारी बातें तो बचपन की हो गई यहां पर जब हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें बात करनी है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से

और अगर 110 का खरीदा आपने इंटरमीडिएट के थ्रू खरीदा तो उस इंटरमीडिएट से एक परसेंट की ब्रोकरेज ले ली उसके अलावा आपका स्टेम ड्यूटी का खर्चा आ गया तरह तरह की चीजें इन्वॉल्व रहती आपने कुछ समय के बाद कुछ अपने शेयर या से डिवेंचर सेल कर दिए और उसके कुछ समय बाद फिर से वापिस आपने परचेज कर लिए शेयर से हो सकता है कंपनी ने कुछ शेयर आपको फ्री में दे दिए जिसको बोनस शेयर भी कहा जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट के अंदर तरह तरह की सब ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है जिसके कारण हमें यह सीखना पड़ता है कि एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब किस प्रकार से रखेगा और अकॉर्डिंगली हमारे सामने चैप्टर आ जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दैट मीन्स अकाउंटिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर राइट right, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इस सब्जेक्ट मैटर के लिए हमारे पास ए एस नंबर थर्टीन भी है लेकिन जब मैं इस चैप्टर को करूंगा शुरुआत के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे तो वहां पर हम ए एस थर्टीन के रेफरेंस से कुछ कुछ चीजें समझेंगे उसके बाद ए एस थर्टीन की बहुत ही टिपिकल ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे चैप्टर के मेन कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है उनकी बात मैं आपको अलग से ए एस नंबर थर्टीन जब पढ़ेंगे वहीं करवाऊंगा और यहां पर हम फिर सीमित हो जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर जो है सीखेंगे टू मेंटेन द रिकॉर्ड ठीक है भाई तैयार है तो रजिस्टर का फ्रेश पेज निकाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखिएगा जी चैप्टर का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स सजन राजी हो जाए हो जाए रोला नहीं पायदा या ऑन जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स सीधा बम्बार्डिंग चालू करते हैं कॉन्सेप्ट वन मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट वन मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट वन मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखते हैं जो कि एज पर है थर्टीन के हिसाब से Looking at these are the assets held for the purpose of earning income. These are the assets held for the purpose of earning income. इनकम कैसे कमाई जाती है उसके लिए लिख रहे हैं डेफिनेशन ही आगे कॉन्टिन्यू रही है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर डिडेंट इंटरेस्ट एंड रेंटल सिर्फ लिखिए भी फिर समझते हैं कैपिटल नेचर के अंतर्गत लिख रहे हैं कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिसिएशन हमने कहा दीज आर दी एसेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ कैसे कमाएंगे पैसा डिविडेंड से इंटरेस्ट से, से रेंटल तो तो बार 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 रिकरिंग पैसा आ रहा है डिविडेंड कैसे आएगा डिविडेंड कैसे आएगा अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कहां की होगी शेयर में इंटरेस्ट कैसे आएगा अगर मैंने कहा पैसा लगाया है डिवेंचर में या बॉन्ड्स में तो मुझे इंटरेस्ट के वे में इनकम आएगी रेंटल कैसे आएगा अगर मैंने फ्लैट ले लिया किराए पर दे दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ये सब क्या है मुझे रिकरिंग इनकम आ रही है वर्ड पर ध्यान दीजिए रिकरिंग इनकम बार बार आ रही है तो ये मेरी रेवेन्यू नेचर की इनकम है हर बार आ रही है इनकम लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद कर रख दी खरीद कर रख दी पांच साल बाद देखो उसे कितने का उसका प्राइस हो गया तो क्या वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है जो वो बड़ा हुआ वैल्यू मुझे मिलेगा जी नहीं दैट इज कैपिटल नेचर वो है कैपिटल एप्रिसिएशन तो इसके भी ब्रेकेट कैपिटल एप्रिसिएशन किस पर होगी मेनली ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते क्यों है वहीं से इसका जो है मीनिंग बन जाता है कि भाई ये एसेट्स हैं हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम इनकम कैसे कमाओगे या तो डिविडेंड से इंटरेस्ट से रेंटल से जिसको रॉयल्टी भी बोल दिया जाता है तो ये सभी कैटेगरी किसमें आ गई रेवेन्यू नेचर बोल दिया या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन हो गई वैल्यू बढ़ गई उसकी तो उसको कहते हैं कैपिटल नेचर तो ये कुल मिलाकर मीनिंग के अंतर्गत आता है ये कुल मिलाकर मीनिंग के अंतर्गत आता है लिख लेंगे तो बेसिकली ये क्या है इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर बार बार जो अक्कर होते हैं और दूसरी साइड पर जो ये कैपिटल नेचर वाला है ये है इनकम ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर इनकम ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर लिख लीजिए तक आगे बढ़ते हैं ये हमने मीनिंग लिख लिया मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने चैप्टर में एंटर हो जाएंगे ये ए एस थर्टीन के हिसाब से डेफिनेशन है और ऑब्वियसली इसको पढ़ना बनता है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कॉन्सेप्ट टू पर आ जाइए कॉन्सेप्ट टू लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स बेसिकली बढ़ना चाह रहे हैं कि कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है तो कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस बात के ऊपर निर्भर आप किस नजरिए से देख रहे हैं। जैसे आप कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है किस नजरिए से देख रहे थे पैसे से देख रहे थे क्या या चाल चलन से देख रहे थे तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करने वाले हैं। पहले किस हिसाब से देखना चाह रहे हैं हम पहले जाएंगे ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग से आपने कितने समय तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का तो सेल कर दूंगा मैंने कहा कम से कम तीन साल में रखूंगा तीन साल के बाद देखेंगे क्या चल रहा है तो ये मेरी इंटेंशन है ऑन दी अदर मेरी इंटेंशन है कि बस आज ले लिया मैंने जैसी प्राइस इसका बढ़ा लेट से मैंने एट्टी शेयर खरीदा और मेरा टारगेट क्या है जैसे ही सौ रुपए प्राइस मैं इसको सेल कर दूंगा चाहे दो महीने में क्यों ना हो जाए तो इंटेंशन मैटर करती है कि कितने समय तक आप होल्ड करना चाहते हैं तो पहले हम उसे लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लिखेंगे इसके अंतर्गत करंट इन्वेस्टमेंट ऑबलीग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लीग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑबलीग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा आप शॉर्ट टर्म हो करंट हो या फिर लॉन्ग टर्म हो दैट इज नॉन करंट हो तो उसके लिए पता चलेगा हमें पहले इंटेंशन टू होल्ड फॉर लेस देन इक्वल टू वन ईयर मतलब ट्वेल्व मंथ मैक्सिमम अगर जब खरीदा उस वक्त आपका इंटेंशन है कि मैं बारह महीने तक ही होल्ड करूंगा मैक्सिमम तो यह है करंट इन्वेस्टमेंट लेकिन अगर इंटेंशन एक साल से ज्यादा तक रखने का तो है नॉन करंट इंटेंशन टू होल्ड फॉर ग्रेटर देन वन ईयर इंटेंशन टू होल्ड फॉर ग्रेटर देन वन ईयर तो वह हो जाएगा लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं सवाल उठा वैल्यू कैसे करते हैं वैल्यू कैसे करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा सिंपल सा रूल क्या है कि मैंने रखनी ही थोड़ा टाइम पीरियड के लिए सेल परचेज में ट्रेडिंग करना चाहता हूं इसमें लेकिन नॉन करंट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहता जब नॉन करंट में मैं बार बार प्राइस देख ही नहीं रहा वहां तो मेरा एम ही कुछ हो रहा है तीन साल पांच साल ऐसा एनी हाउ एक साल से ज्यादा होना चाहिए तो जब एक साल खत्म होने पर बैलेंस शीट आएगी तब भी मैं क्यों देखूंगा तो इसको तुम हमेशा वैल्यू कैसे करते हैं कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं नॉन करंट के नीचे लिखेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट वैल्यूड एट कॉस्ट ब्रैकेट में अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन मतलब जो रोज रोज की जो रोज रोज की मूवमेंट है प्राइस में कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है उसके कारण आपने चेंज नहीं करना अगर सिर्फ परमानेंट डिक्लाइन हो जाए कंपनी में जहां पे आपने पैसा लगा रखा है वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण शेयर का प्राइस कम हो गया और अब आपको पक्का लग रहा है कि ये टेम्पररी फ्लक्चुएशन नहीं है ये परमानेंट इनका प्राइस नीचे गिर गया भाई आपने लिया था मान लो दो का अब उसका प्राइस 140 हो गया और कोई उम्मीद नहीं है उससे ज्यादा जाने की क्योंकि कंपनी में बहुत टाइम से लॉसेज हो रहे हैं कैश नहीं है उनके पास हालत खस्ता है तो 140 का प्राइस रहेगा लेट से तो उस केस में आप इसको कम कर लो क्योंकि ऊपर बढ़ने के चांस जो है आसार जो है काफी कम है लेकिन जब आती है करंट इन्वेस्टमेंट की बात यार यहां तो हमारा पर्पस ही ट्रेड करना है इस चीज में जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए स्टॉक होता है तो स्टॉक को आप कैसे वैल्यू करते हो नॉर्मली हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर मार्केट प्राइस छोटे होते बोलते थे अब तो एनआरवी वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है करेक्ट वर्ड है दैट इज एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर क्यों क्योंकि हम उस चीज में डील कर रहे हैं अगर मेरी चीज बनाई हुई कॉस्ट है मान लो मेरे सामान की एक हजार और मुझे लगता है कि ये तो नाइन फिफ्टी रूप देकर जाएगी तो लॉस है भाई इसको के हिसाब से आज ही बुक कर लेने का तो वही प्रिंसिपल करंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चलता है क्योंकि आपकी इंटेंशन मैक्सिमम ईयर की है तो जो भी प्राइस पे आपने लिया था दैट इज कॉस्ट उसको कंपेयर करो मार्केट प्राइस से और दोनों में से जो लोअर है उस पर वैल्यू कर लो क्योंकि अगर मार्केट प्राइस का मैं आपने लिया था 200 का मार्केट प्राइस चल रहा है 180 तो जो लॉस है उसे आप बुक कर लीजिए बिकॉज आपका पर्पस शॉर्ट टर्म के लिए ही है अगर शॉर्ट टर्म में वो वन से ज्यादा ना बढ़ा तो भी आप उसको सेल ही करोगे क्योंकि आपकी इंटेंशन एक साल से ज्यादा होल्ड करने की उसे नहीं है लिखेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस इसको फेयर वैल्यू भी बोल सकते हैं विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया इन्वेस्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग कि कम समय के लिए है मैक्सिम एक साल तो इसका नाम होगा भैया करंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर एक साल से सा ज्यादा के लिए है तो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चार दिनों के लिए बड़े गाने बने चार दिनों के ऊपर चार दिन प्यार हो रबा लंबे जुदाई बड़ी लंबे जुदाई बच्चा कहता सर चार के ऊपर एक और मैंने कहा कौन सा सॉन्ग सर चार बोतल वोड का काम मेरा रोज का वो बड़ा ये वाले गाने नहीं गाने तुम गलत बंदे को फॉलो कर रहे हो यो यो होनी सिंह आ जाओ आ जाओ सब अच्छे हैं जी यो यो होनी सिंह भी गुड है ऑल आर गुड बच्चों का फेवरेट होता है फिर बच्चे कहते हैं राहुल सर को पसंद नहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है नहीं जी सारे अच्छे हैं ब्लू आइस देरी नोटाइज कर दिया मैंने सुना ना ब्लू आइस ये लीजिए जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन सीखा ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अब सीख रहे बेस ऑफ इनकम जहां हमने इन्वेस्ट में किया है वहां से पैसे किस तरह से आ रहे हैं क्या मुझे फिक्स पैसा आता है या वेरिएबल पैसा आता है मतलब जो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के तौर पर क्या वो फिक्स है या नहीं है फिक्स कैसे होगा अगर मैंने पैसा लगाया डिबेंचर में बॉन्ड में तो पैसा फिक्स आएगा पैसा फिक्स आएगा क्योंकि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है वो पहले से क्लियर होता है डिबेंचर है टेन परसेंट डिबेंचर ऑफ डैश कंपनी ऑफ डैश कंपनी तो तो लिखा है है भाई यही तो इनकम लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया क्या आप बता सकते हो ईयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा जी नहीं पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेस पर ट्रेडिंग पी पीएंडल बनेगा पी पीएनएल में प्रॉफिट आएगा उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में उसको प्रपोज करेंगे और तब जाकर आपको फाइनल डिविडेंड जो है मिलेगा एजीएम में लेकिन कितना कोई नहीं जानता मिलेगा भी कि नहीं और अगर मिलेगा कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा तो कितना कम मिलेगा तो कितना मतलब मैग्निच्यूड नहीं पता कि कितना तो इसलिए वो है वेरिएबल इनकम तो हमारा चैप्टर जो है प्रैक्टिकली इसी बेस पर डिवाइडेड है ये लीजिए ऑन द बेस ऑफ इनकम में लिख रहे हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्स ऑब सिक्योरिटीज जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफ आई बी एस फिक्सड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या सिक्योरिटी ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट ऑब्लिक सिक्योरिटीज जहां से वेरिएबल इनकम आती है मतलब कितनी आएगी नहीं पता जब आएगी तभी पता चलेगा एफ आई बी एस एग्जाम्पल में लिख लेते हैं डिबेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा डिबेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा वी में मेनली इक्विटी शेयर्स ओनली इक्विटी शेयर्स लिखिए जी नोट कीजिए इसे लिख देते दिस इज रेलिवेंट क्लासिफिकेशन फॉर पर्पज ऑफ मेन जो चैप्टर है वो हमारा इसी के हिसाब से जो है डिफरेंशिएट किया जाता है जैसे कि अभी हम जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हम जो चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा फिक्स इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट तो हमारे अगले कॉन्सेप्ट से लेकर ऑलमोस्ट आठ या नौ कॉन्सेप्ट बनेंगे एफ के पूरा एफ को डेडिकेटेड होगा उसके बाद हमारा जो व्यू पॉइंट है चेंज होकर कहा जाएगा वीआईबीएस पर फिर हम वी वेरिएबल इनकम एस स्क्रिप्ट मतलब दोनों की ही अकाउंटिंग अलग है डिपेंडिंग अपॉन आप एफ हो कि आप वी हो तो इस तरह से इस तरह से हमने इसको अलग अलग करते हुए पढ़ना है अभी हम वीआईबीएस के बारे में भूल जाएंगे हम अपना ध्यान सिर्फ केंद्रित करेंगे एफ ई बी एस क्या आप तैयार हैं दोस्तों यस yes, हम तैयार हैं yes, sir, हम तैयार हैं ओके okay. चलिए जी तो हम बढ़ते हैं आगे मेन चैप्टर की शुरुआत पर हम आ गए प्रैक्टिकल पार्ट जहां से हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट नंबर थ्री आइए लिखेंगे आप और मैं कॉन्सेप्ट नंबर थ्री अभी मैं एफ आई बी एस शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा ठीक है एफ आई बी एस अंडरस्टैंडिंग दिक्स एंड जर्नल एंट्रीज एग्जाम में आपसे नॉर्मली पूछा जाता है अकाउंट लेकिन जब तक ऑब्वियसली जर्नल एंट्री की समझ नहीं है तब तक लेजर अकाउंट कैसे बनेगा याद है ना जब आपने अकाउंट सीखना शुरू किया था पहली पहली बार तो एक हर होती है सबसे पहले जर्नल एंट्री सिखाया जाता है उसके बाद लेजर होता है याद है ट्रायल बैलेंस होता है फिर फाइनल अकाउंट होता तो भाई जर्नल तो सबसे पहला है चले जी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स जो ये फिक्स फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी इनकम सिक्योरिटी है इसके बेसिक समझने हैं बेसिक्स का मतलब क्या है एज एन इन्वेस्टर आप क्या क्या कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर अगर मान लो मैं इन्वेस्टर हूं मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं खरीद सकता हूं मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए अब खरीद लिए क्या कर सकता हूं बेच सकता हूं खरीद सकता हूं और बेच सकता हूं और समय समय पर इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी जैसे बैंक बैंक में आपने मान लीजिए एफडी एफडी करवा ली कर ली बैंक करा तो हर महीने के बाद उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता रहेगा या फिर ऐसा कह दें बेटर वर्जन चॉइस होती है उसमें मेजर, मेजर वर्जन क्या रहते हैं कि आपने बैंक में एफडी करा ली तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसका इंटरेस्ट आ जाता है सेविंग अकाउंट है तो हर छह महीने पर इंटरेस्ट आता रहता है आपको सिमिलरली एफआईबी एस में मुझे क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा एफ आई बी एस में मुझे इंटरेस्ट आएगा राइट right? तो वो कुछ चीजें हैं जो हम यहां से पहले अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स जर्नल एंट्री सिखाऊंगा और फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाकर सारी जर्नल एंट्री जो है हम एक साथ लिख लेंगे सो so दैट हमारे लिए ईज रहे रिवीजन में अच्छा यहां पर एक पॉइंट लिख देंगे जो हमने मीनिंग में लिखा था दिस चैप्टर is studied from the view point of investor this chapter is studied from the view point of investor theek hai na ye hum likh kar rakh lete hain वेरी इंपॉर्टेंट कि हम investor के point of view से पढ़ रहे हैं जहां आपने invest किया उसको इन्वेस्टी बोलते हैं तो उसके हिसाब से नहीं कर रहे चलिए आ जाइए अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स क्या बेसिक्स हैं इसके एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते एक अप्रैल 2020 31 इकतीस मार्च 2021 एग्जांपल Mr. A has three thousand debentures, three thousand twelve percent debentures of Kaka Limited. Mr. A has three thousand twelve percent debenture of Kaka Limited. As on थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तो कोई मिस्टर ए है उसके पास इकतीस मार्च बीस को बारह परसेंट डिबेंचर पड़े हैं, कितने तीन हजार और डिबेंचर का फेस वैल्यू हमेशा सौ रुपये होता है जी क्वेश्चन ना बताए तो हल सौ रुपए लेंगे क्वेश्चन भी अक्सर सौ रुपए ही आपको बताएगा अब हुआ क्या आइए देखते हैं क्या क्या घटित हो रहा है ओके एक और चीज यहां लिख लें जरा काका लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन थर्टीथ सेप्टंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आपको बताएगा नॉर्मली इंटरेस्ट साल में दो बार मिलता है आप जब कहीं भी डिवेंचर बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्स मंथली हाफ ईयरली मतलब साल स्टार्ट हुआ छह महीने के बाद इंटरेस्ट फिर से छह महीने के बाद तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो तीस सितंबर को और इकतीस मार्च को दो बार इंटरेस्ट देती है समझदारी क्वेश्चन बन रहा है अभी हमारा अब उसके बाद क्या हुआ यह देखते हैं तो एक बार इंटरेस्ट की डेट मार्क कर लें तीस सितंबर इंटरेस्ट डेट और 31 मार्च को भी क्या मिलता है इंटरेस्ट लेट से यहां वन जून ट्वेंटी को बी परचेज ऑल डिवेंचर्स बी परचेज ऑल डिबेंचर फ्रॉम ए एट द रेट नाइन्टी एट बी ने सारे डिबेंचर परचेज कर लिए ए से कितने रुपए पर नाइन्टी एट रुपए पर उसके बाद इकतीस बारह दो हजार बीस को बी सोल्ड टू थाउजेंड डिबेंचर टू सी एट द रेट नाइनटी नाइन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारे बेसिक्स जो है सिखाऊंगा ठीक है ना सबसे पहले आ जाएंगे ईयर के स्टार्टिंग में एक अप्रैल 2020 हजार एक अप्रैल 2020 जिस दिन है उस दिन ए के पास तीन हजार डिबेंचर पड़े हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बारह परसेंट किसके काका लिमिटेड के एक अप्रैल से लेकर एक जून तक किसके पास थे ये ए के पास लेकिन एक जून को ए ने सेल कर दिया किसको बी को बी ने परचेज कर लिए यानी कि ए ने सेल कर दिया बी को बी परचेज ऑल डिबेंचर फ्रॉम ए एट नाइनटी एट यहां से यहां तक किसके पास रहे बी के पास अगर मैं समय देखना चाहूं तो दो महीने एक अप्रैल से लेकर एक जून तक रहे इसके पास और एक जून से लेकर तीस सितंबर तक जून जुलाई अगस्त सितंबर रहे मिस्टर बी के पास हमें बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देखनी है स्टेट दी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बी हमें बी के हिसाब से देखना है हम ए और सी की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं ये बताइए कि बी के व्यू पॉइंट से जो है ट्रांजेक्शन क्या क्या होंगी सबसे पहले तो एक जून 2020 को कैसी ट्रांजेक्शन है भाई परचेज की ट्रांजेक्शन है बी ने क्या किया परचेज किया सुनते रहें समझते रहें इसमें कुछ खास नोट करने के है नहीं फिर भी किसी को करना होगा तो स्क्रीन रोक कर आराम से नोट कर लेना ले। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तब सिर्फ सुनो आराम से और स्क्रीन की तरफ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर इसी एग्जाम्पल के ऊपर है है ठीक ना इसलिए इसको अच्छे समझेंगे ये बताइए हमें दिख रहा है तीस सितंबर को इंटरेस्ट की डेट है यानी कि कंपनी तीस तारीख को इंटरेस्ट देती है एक दूसरी भी इकतीस मार्च अभी हम तीस सितंबर की बात करें क्योंकि तीस सितम्बर हमारे नजदीक है आइडियली जब तीस सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें से दो महीने का इंटरेस्ट किसे मिलना चाहिए ए को क्योंकि एक अप्रैल से लेकर एक जून पूरा अप्रैल और पूरा मे ए के पास थे डिबेंचर लेकिन एक जून को ए ने बी को बेच दिए तो अब बी के पास है, है। यानी कि तीस सितंबर को कंपनी जो इंटरेस्ट देगी लॉजिकली दो महीने का ए को मिलना चाहिए और चार महीने का बी को मिलना चाहिए क्योंकि तीस तारीख को रजिस्टर में किसका नाम है बी का नाम है, है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती कंपनी एक्ट कहता है बड़े क्लियरली पढ़ो ये आप कंपनी लो अपने प्रोफेशनल कोर्स में कि भाई 30 सितंबर को कंपनी देखेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर 30 सितंबर को जिसका नाम होगा किसका नाम है बी का तो कंपनी पूरे छह महीने का इंटरेस्ट बी को देगी अब बच्चे सो रहे सर ये क्या जाती है सुनते रहिए पहले पूरी बात सुनिए कंपनी कहती भाई तीस को हमारे रजिस्टर में बी का नाम है हम तो बी को देंगे महीने का मिलना चाहिए तो कहती भाई जो आपस की है ना लेके आओ ले सोचो ए ने बी को बेच दिया बी ने एक सितंबर को सी को बेच दिए होते अब कंपनी बेचारे यही करते रहे दो महीने का ए को तीन महीने का बी को एक महीने का सी को अरे यार कंपनी अपना काम कब करेगी अगर इन चीजों में लगी रहेगी कंपनी कहती हम तो दो बार साल में इंटरेस्ट देते हैं भाई जो मैंने डेट्स आपको लिखवाई एक बार तीस सितंबर और एक बार 31 मार्च जिस पर्सन के पास सितंबर को और इकतीस मार्च को होंगे एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर हम तो उसे उठाकर जो है इंटरेस्ट देंगे हर छह महीने का और अगर छह महीने के दौरान आपने कोई परचेज सेल की ट्रांजेक्शन की है तो आप उसका इंटरेस्ट आपस में सेटल करो इसका मतलब क्या हुआ सुनिए इसका मतलब क्या बड़ा इंटरेस्टिंग ए ने जब एक जून को सेल किए बी को तो ए क्या बोलेगा ए बोलेगा भाई बात सुन तीस सितंबर को पूरा इंटरेस्ट छह महीने का तेरे को मिलेगा जबकि दो महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है तो तू आज ही मुझे दो महीने का इंटरेस्ट दे दे यानी कि देवर यू परचेज यू पे फॉर टू थिंग्स वन इज द कॉस्ट एंड द अदर इज द इंटरेस्ट जब आप खरीद रहे हो तो आप दो चीजों के पैसे देते हो परचेज की जब ट्रांजेक्शन होगी लिखते यहां पर buyer pays for buyer pays for cost of take cost of investment and b interest interest kab se kab tak from last Date of interest paid by company till the date of transaction. Very important. The buyer pays for cost of investment. एंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई कंपनी मेरे example में क्या थी कंपनी ने कब दिया था इकतीस मार्च को तो वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ दशन जो एक जून है तब तक का बायर को इंटरेस्ट भी पे करना होगा लिख लेंगे बायर पेज फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ये कब परचेज के ट्रांजेक्शन के वक्त रीजन क्योंकि जब तीस तारीख को मिलेगा तो पूरे छह महीने का बी को मिलेगा जबकि उसमें से दो महीने का तो ए का है तो बी एक जून को ही जब इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा उसी समय ए को दो महीने का इंटरेस्ट भी देगा निकाले आइए हमारे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में क्या फिगर्स बन रही हैं? देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे एग्जाम्पल में आपने तीन हजार डिबेंचर खरीदे कितने रुपए पर मिल रहा है आपको एक नाइन्टी एट थ्री थाउजेंड डिबेंचर मिले एट द रेट ऑफ नाइन्टी एट तो ये हो गया तीन दुनिक तीन लाख माइनस छ हजार टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड का तो हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दूसरा मैंने क्या बताया यू हैव टू पे द इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमेशा होता है फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट इज ऑलवेज़ ऑन फेस वैल्यू तो इंटरेस्ट कितना आया तीन हजार डिबेंचर एक डिबेंचर सौ रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बारह परसेंट लेकिन कितने समय का देना है? दो महीने का तो प्रोपोर्शन करेंगे टू बाय ट्वेल्व तीन लाख इंटू बारह परसेंट इंटू दो बटे बारह ये आ रहा है जी छह हजार रुपए तो आपने टोटल कितना पैसा दिया थ्री लाख रुपी टोटल पेमेंट थ्री लाख रुपी तो जब भी आप बाय करोगे यू नीड टू पे फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट द सेकेंड पोर्शन इज इंटरेस्ट कब से कब तक का लास्ट डेट जो कंपनी ने दिया था से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का इंटरेस्ट आपने देना है क्योंकि इट बिलोंग्स टू सेलर बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर और अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री करना चाहूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो हम कहेंगे कौन कह रहे बी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर ऑफ काका लिमिटेड अकाउंट खाली इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि हो सकता है एज एन इन्वेस्टर मिस्टर बी ने जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो एक काका लिमिटेड के लिए एक बाका लिमिटेड के लिए एक काटा लिमिटेड के लिए तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखेगा ना भाई किस कंपनी के कितने डिवेंचर लिए और सबका इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकता है तो हर एक इन्वेस्टी का जहां आपने पैसा लगाया है सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना होगा और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो आपने कॉस्ट के दिए दो लाख चौरानवे हजार रुपए छह हजार दिए इंटरेस्ट के और टोटल पैसा आपने दिया है थ्री लाख रुपए यह है परचेज के समय के ट्रांजेक्शन हमारी सारी ट्रांजेक्शन को आराम से एक एक करते हुए सीखेंगे लिख लीजिए यहां तक चलिए ये सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारे केस में कौन से है? एक जून मैंने आपको तीन चीजें सिखानी है ऐसे परचेज की ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट और सेल और हमेशा हरारकी से चलना है क्रोनोलॉजी से सबसे पहले एक जून आई एक जून की एंट्री कर दी अब ऐसा नहीं सोचना इकतीस दिसंबर की करते हैं सेल ना बीच में क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा तो तीस सितंबर तीस सितंबर दो इंटरेस्ट की डेट आई तो जिसके पास डिबेंचर है उसे इंटरेस्ट मिलेगा जिसके पास डिबेंचर है उसे इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है आप इस एग्जाम्पल को साथ साथ नोट कर सकते हैं मैं साथ साथ इसलिए समय आपको देता रहूंगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने सोचा था मैं अलग से लिखवा दूंगा लेकिन इस एग्जाम्पल के साथ ही लिख रहे हैं तो वो इजी हो जाएगा इंटरेस्ट आ गया जी यहां लिख रहे हैं कंपनी पेज द इंटरेस्ट एज पर द सेट डेट्स एंड फ्रीक्वेंसी कंपनी जो इंटरेस्ट देगी वो कब देगी एज पर द सेट डेट्स क्वेश्चन बताएगा इस इस डेट पर मिलता है उन्हीं तारीख पर मिलेगा और फ्रीक्वेंसी हर छह महीने पर यूजुअली मिलता है लिख लेंगे interest is paid by the company interest is paid by the company to that person whose name interest is paid by the company to that person whose name appears in the whose name appear in the register of members on the date of interest interest is paid by the company to that person whose name appears in the register of members on the date of interest for ठीक फोर नाइन कंपनी इसको देगी जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में दिख रहा है लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज देम सेल्व मतलब कंपनी तो भाई जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसी को देगी इंटरेस्ट अगर आपने परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन की थी तो उसका इंटरेस्ट आप आपस में सेटल करो इंटरेस्ट ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड Between the parties themselves, ye or like Interest is always computed on face value. Interest is. Always computed on face value. Interest is always computed on face value. Let me think if anything else is to return. ये सभी पॉइंट लिख लिए हैं ठीक है तो इंटरेस्ट की डेट पर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हम लिख रहे हैं इन्वेस्टर रिसीव द इंटरेस्ट इन्वेस्टर रिसीव दी इंटरेस्ट कितना मिलेगा फ्रॉम दी लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए आराम से फिर समझते हैं क्या है इसका मतलब कंपनी ने तीस नौ की डेट हमारे पास आ गई है करंट डेट इससे पिछला इंटरेस्ट कब दिया होगा इकतीस मार्च को क्योंकि कंपनी की दो ही डेट्स है तीस सितंबर इकतीस मार्च तो पिछला इंटरेस्ट कब दिया था इकतीस मार्च अब क्या है तीस सितंबर तो हमें इतने समय का इंटरेस्ट मिलेगा इकतीस मार्च से लेकर तीस सितंबर छह महीने का इंटरेस्ट राइट right? कैसे मिलेगा तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल का मतलब अपने एग्जाम्पल में देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा देखिएगा कितने डिबेंचर हैं बी के पास हजार डिबेंचर है एक डिबेंचर सौ रुपए का फेस वैल्यू हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बारह प्रतिशत का मल्टीप्लाई बाय कितने समय का मिल रहा है सिक्स मंथ का ये सिक्स कैसे आया जी थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को पिछला इंटरेस्ट मिला था और आज है तीस सितंबर दो हजार बीस तो कितना इंटरेस्ट हमारा बन गया ये आती है फिगर अठारह हजार रुपए की एटीन थाउजेंड का इंटरेस्ट जो है मिलेगा और अगर मैं जर्नल एंट्री करना चाहूं तो आई विल से पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है जी सब कुछ साथ साथ समझते रहिए और लिखते रहिए और जो कुछ रह जाए वो मैं लिखने का समय दे दूंगा साथ साथ ही मतलब ऐसा सोचना बाद में लिखने का समय मिलेगा थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करना होगा हमारा काम है इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सारा बेसिक सीख रहे हैं कि जब आप परचेज करते हो तो किस किस चीज का पैसा देते हैं कि क्यों देते हैं कितना देते हैं फिर इंटरेस्ट का आया तो इंटरेस्ट में कितना पैसा मिलेगा आपको वो सब हम चेक कर रहे हैं अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज तो ये हो गया इंटरेस्ट वाला पोर्शन खत्म इसमें कुछ लिखना है रहता है तो लिख लीजिए किसी का कुछ रह जाएगा तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं एक और चीज इसमें लिख लेंगे इंटरेस्ट के लिए एट द एंड ऑफ पीरियड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड मतलब यूजली ईयर ईयर जब आपका एंड एंड तो जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप पी एल में ट्रांसफर कर दोगे ठीक है ना ये भी लिख कर रख लिया हमने कोशिश कर रहे हैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होने की कि कि किसी भी पॉइंट के बारे में जैसे इंटरेस्ट है मेन हेड तो उसके बारे में कोई भी पॉइंट हमें लगता है साथ साथ लिख दे रहे हैं एट द एंड ऑफ पीरियड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट ये हमारी 30 सितंबर 2020 की ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद क्या हुआ था इकत्तीस दिसंबर 2020 को बी ने 3000 में से 2000 हजार डिवेंचर सी को बेच दिए नाइनटी नाइन रुपीज के तो हम आगे 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 सेल की ट्रांजैक्शन सेल की ट्रांजैक्शन जब आप बायर थे आपने सामान परचेज किया था परचेज के ट्रांजैक्शन में किस किस चीज के पैसे दे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दूसरा इंटरेस्ट दिया था यानी कि जो सेलर था ए उसको इंटरेस्ट मिला था अब आप सेलर हो बड़ी सीधी सी बात है यार बड़ी सीधी सी बात है यार ये तीस सितंबर से, से लेकर इकतीस बारह तक किसके पास डिबेंचर है तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर किस बी के पास तो पूरे तीन हजार का बी को मिलना चाहिए जबकि अगले तीन महीने के लिए बी के पास सिर्फ एक हजार डिबेंचर है तो एक हजार का बी को मिलना चाहिए दो हजार का सी को क्योंकि आपने सी को बेच दी 2000 लेकिन कंपनी क्या करेगी 31 मार्च 2021 जब आएगी कंपनी उठाकर सी को ही सारा 2000 हजार डिबेंचर का छह महीने का देगी ये तो ज्यादा हुई जब हम बायर थे तो हमने जिससे बाय किया था उसको इंटरेस्ट दिया था दो महीने का अब हम सेलर हैं तो जो 2000 हजार डिबेंचर मैंने सी को बेचे हैं उन डिबेंचर के ऊपर सी से मैं आज ही 31 दिसंबर को ही तीन महीने का इंटरेस्ट ले लूंगा कि भाई 31 मार्च जब आएगी तो कंपनी से काका लिमिटेड से पूरे का पूरा तुम्हें मिलेगा छह महीने का इंटरेस्ट जबकि तीन महीने का तो मेरा बनता है ना क्योंकि इकतीस बारह तक बी कह रहे हैं मेरे पास थे डिबेंचर तो दो डिबेंचर का मेरे को इंटरेस्ट दे दो तो जब आप सेल करोगे आपको दो चीजों के पैसे मिलेंगे एक तो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंटरेस्ट तो हम लिख रहे हैं सेलर रिसीव्स सेलर रिसीव्स ए पॉइंट सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट मैं इंग्लिश देख लू सेम टू सेम लिखता हूं ठीक है इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे एग्जांपल में क्या है तीस सितंबर से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्योंकि इतने समय का ये जो सेलर है उसका इंटरेस्ट बनता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर जो सेल कर रहे है यार उसका बनता है ना इतने पोर्शन का तो सेलर आपसे लेगा और जो बायर है वो देगा लिख लीजिए लिख लीजिए पूरा स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं सो देट आपके लिए समझना आसान हो जो कि आपको पता है हमारा सेल रहता ही है हमेशा सेलर ऑल्सो सेलर ओके ठीक है बाद में लिखते हैं पहले इतना पोर्शन मैं क्या लिखवाने वाला हूं बेसिकली एक तो आपने सेल किया तो आपको जो पैसा है उसकी एंट्री करोगे पैसा आया बैंक में किस किस चीज का एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए आया दूसरा इंटरेस्ट के लिए आया साथ ही साथ जब आप सेल करोगे तो आप देखना भी चाहोगे यार मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ तो जब भी सेलर सेल करेगा इन्वेस्टमेंट की एवरी टाइम ही विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस तो पहले हम पैसे की करते हैं फिर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे ठीक है ओके तो एग्जाम्पल के अंतर्गत हम अपना बनाते हैं कि हमें क्या पैसा मिलेगा तो एक तो भाई मिलेगा सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कितने डिबेंचर बेचे तीन हजार में से दो हजार तो दो हजार डिबेंचर मैंने एक बेचा नाइनटी नाइन रुपी का तो वन लेख नाइनटी एट थाउजेंड तो मुझे सेल वैल्यू मिलेगी और दूसरा हमें मिलेगा इंटरेस्ट दो हजार डिबेंचर के ऊपर फेस वैल्यू पे निकलता तो पहले फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया दो हजार डिबेंचर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू सौ रुपए मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई बारह परसेंट और कितने महीने का मिलेगा तीन महीने का, का है? ये ये 3 महीने कैसे बने पिछला इंटरेस्ट मिला था तीस सितंबर को और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है इकतीस दिसंबर दो हजार बीस की दो लाख का बारह परसेंट तीन महीने का छह हजार रुपए बनता है सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और टोटल वहां लिखा था पेमेंट यहां लिखेंगे टोटल टोटल रिसिप्ट टोटल पैसा कितना मिल रहा है अपने को दो लाख चार हजार रुपए का एक मिनट यहां एक चीज देखी थी यहां भी लिख दें ये इंटरेस्ट दो महीने कैसे आया एक अप्रैल 2020 से लेकर हमने कब खरीदा था एक जून 2020 तक तो ये इंटरेस्ट उस प्रकार से बना था ठीक और इसकी अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो हम क्या कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है टू इन्वेस्टमेंट इन ट्वेल्व परसेंट ऑफ काका लिमिटेड अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटल पैसा कितना है भाई दो लाख चार हजार रुपए और जिसमें से वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड रुपया आया इसके लिए और सिक्स थाउजेंड रुपया आया इंटरेस्ट के लिए ये लीजिए यहां तक पहुंच जाइए पहले फिर इसकी इंप्लीकेशन टू देखेंगे चले बेटा ये तो थी इसकी इम्प्लीकेशन वन दिस इज द इम्प्लीकेशन वन एट द टाइम ऑफ सेल और इम्प्लीकेशन टू क्या है उसकी बात करते हैं इंप्लीकेशन टू एट द टाइम ऑफ सेल सेलर शेल कंप्यूट द प्रॉफिट ऑब्लीग लॉस हर सेल के समय सेलर प्रॉफिट या लॉस निकालेगा और देखेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस एड अकॉर्डिंगली उसके भी बुकिंग करेगा प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा ऑब्वियसली बाय कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द सेल वैल्यू बाइ कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद सेल वैल्यू और यह तो बड़ा सिंपल सी चीज है मुझे जरूरत नहीं है कि अगर सेल वैल्यू ज्यादा है, cost कम है तो प्रॉफिट है और अगर कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन बेचा कम पर है तो वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ठीक है ना एट द टाइम ऑफ सेल सेलर शेल कंप्यूर द प्रोफिट और लॉस बाय कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ सेल वैल्यू तो हम अपने इस एग्जाम्पल में अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा था सीधा जाएंगे जहां हम परचेज की बात की थी कॉस्ट कितनी थी टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड लेकिन ये नहीं इसको जाकर लिख लेना ये कितने की थी तीन हजार डिवेंचर की आपने कितने बेचे हैं दो हजार तो मुझे दो हजार की प्रोपोर्शनेट निकालनी है सुनिए ध्यान से क्या मैंने सारे के सारे बेच दिए जी नहीं याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं वहां पे सेल्स लिखते हैं और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है सेल के साथ क्लोजिंग सा स्टॉक भी होता है तो मैंने सारे नहीं बेचे भाई कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है तीन हजार में से दो हजार बेचे तो दो हजार की सेल्स वैल्यू को दो हजार की कॉस्ट से कंपेयर करूंगा तीन हजार की कॉस्ट टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड जब मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहूंगा आई विल से टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री थाउजेंड इंटू टू थाउजेंड क्योंकि जितने डिवेंचर आपने बेचे हैं उतने की ही कॉस्ट हमें निकालनी है ये आ आगे जी वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड और सेल वैल्यू कितनी है जब हम सेल वैल्यू बोलते हैं मतलब बिना इंटरेस्ट के विदाउट इंटरेस्ट वाली कंपोनेंट बतानी है ये देखिए हमने लिखा था ना सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वन लैख नाइंटी एट थाउजेंड एक लाख अट्ठानवे हजार का हमने इसे सेल किया क्या लगता है देखने से प्रॉफिट है कि लॉस है दो हजार डिबेंचर की कॉस्ट थी 196 आपने बेच दिया 198 का तो भाई दो हजार रुपए का प्रॉफिट है 2000 का प्रॉफिट है सो प्रॉफिट ऑन सेल वन नाइन्टी एट थाउजेंड माइनस वन नाइनटी सिक्स थाउजेंड टू थाउजेंड रुपी और इसकी एंट्री क्या करोगे यहीं कर दे ये चलो यहां करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर ऑफ काका लिमिटेड अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट तो दो हजार रुपए का प्रॉफिट हम पीएनएल में जाकर क्रेडिट करेंगे दो हजार रुपए का प्रॉफिट जाकर पीएनएल में क्रेडिट करेंगे कंप्लीट करें इसे चलिए ये हमारा सेल की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई अब पूरा एक फुल फ्लेज कर रहे हैं तो मैं इसमें लास्ट डेट पे भी बता देता हूं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी इंटरेस्ट की डेट जितना इंटरेस्ट में यहां लिखा था उतना कुछ नहीं लिखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करेंगे और पैसा रिसीव करेंगे ठीक है ना तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को फिर से क्या आ रहा है इंटरेस्ट की डेट तो हमारे एग्जैंपल में जो वैल्यू है उसके हिसाब से पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ये लीजिए इंटरेस्ट कितने पोर्शन मिलेगा जितने डिबेंचर आपके पास रह गए हैं सिर्फ उतने पर ही मिलेगा तीस तारीख को जब डिबेंचर कंप्यूट किया था जब इंटरेस्ट कंप्यूट किया था तीस सितंबर को तो आपके पास तीन हजार डिबेंचर थे लेकिन जब इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक पहुंचे हैं तब तक मैं टू थाउजेंड सेल कर चुका हूं अब मेरे पास कितने डिबेंचर है सिर्फ एक हजार एक हजार डिबेंचर सौ रुपए का फेस वैल्यू बारह परसेंट और ये इंटरेस्ट कितने का मिलता है पूरे छह महीने का पिछली इंटरेस्ट की डेट से इस वाली इंटरेस्ट डेट तक का कुछ वजह कह रहे सर, सर दो हजार डिबेंचर भी थे हमारे पास सर वो उन इकतीस दिसंबर तक तो थे अरे भाई ये उन्हीं का तो इंटरेस्ट है ये उन्हीं का तो इंटरेस्ट है तीन महीने का मिल चुका ना ये छह हजार रुपए उस दो हजार डिबेंचर का मिल चुका इकतीस मार्च तक कितने है? एक हजार और ये देखिए हमने यहां पर लिख दिया था इन्वेस्टर रिसीव द इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें इतने समय का पूरा इंटरेस्ट मिलता है या फिर ऐसे कोई कंपनी पूरे छह महीने का देती है तो हमें छह महीने का इंटरेस्ट जो है मिलेगा तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ये कितना इंटरेस्ट हो गया एक लाख का बारह परसेंट बारह से बारह कट गया छह हजार रुपए तो छे हजार रुपए का इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहा है अंतिम डेट पर याद हो आपको थोड़ी देर पहले जब तीस सितंबर को इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा था तो वहां पर मैंशन किया था कि जो इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ पीरियड पी एंड एल में ट्रांसफर होगा तो ये हमारी इनकम इन्वेस्टर के लिए तो इसको ट्रांसफर टू पी एंड एल भी करना है ये क्या किया हमने रिसिप्ट और क्योंकि ईयर खत्म हो गया तो अभी इसका एक काम रहता है ट्रांसफर टू एल इनकम है हमारी ट्रांसफर करना है मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एल अकाउंट कैसे कितना रुपया स्टार्टिंग से चलेंगे

दिसंबर को सेल किया था तब भी मिला था इंटरेस्ट 6000 हजार का क्रेडिट है प्लस करो और 31 मार्च को अभी अभी इंटरेस्ट फिर से मिला है कितना 6000 हजार का क्योंकि क्रेडिट है तो टोटल चौबीस हजार रुपए की मेरी इनकम हुई है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम इंटरेस्ट उसे एल के अंदर भेज दिया गया ट्रांसफर टू पी एल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू एल अकाउंट बहुत ही बेहतरीन आज का लेक्चर डेडिकेटेड है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू विल हैव टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि भाई हम हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में इस मैनर में कर रहे हैं कि कोई डाउट ना रहे मेरे पास टीचर का मेन एम क्या होता है मोस्ट मेजोरिटी टीचर का कि यार सिलेबस खत्म करो जल्दी से बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे सौ घंटे सवा सौ घंटे में पूरा सिलेबस खत्म करा देते हैं लेकिन यहां वो बात नहीं क्योंकि जो सिखा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए मेरे पास कितनी सिंपल ऑप्शन थी मैं अलग से ना का हूँ सीधा कोई क्वेश्चन उठा लेते और क्वेश्चन में बताते रहते हैं लेकिन ना पहले आराम से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपना सेल्फ एग्जाम्पल क्रिएट करते हो बिल्कुल आराम से और पूरे पर्टिकुलर ये जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ इतनी सारी ये लिखी है भाई ये इतनी सारी इंग्लिश बहुत कम टीचर लिखाएंगे ऑलमोस्ट जीरो लेकिन अगर इसको लिखा है तो आपको जीवन भरी चीजें याद रहेगी और अगर भूल गए तो आकर वापिस रेफर तो कर सकते हैं अगर आई कुड सिंपली से कि भाई कंपनी सेट डेट को इंटरेस्ट देगी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और सिर्फ कंपनी छह महीने का रिकॉर्ड डेट पर जो आपका रिकॉर्ड डेट जिस दिन इंटरेस्ट डेट है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसी को देगी और बीच का पार्टी सेटल करेगी लेकिन हमने वो सारी चीजें लिखी समय लगा रहे हैं सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट आज आराम से अपने वो क्लियर हो जाए ठीक है ना तो ये सारी बात इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने खत्म की हमें समझ में आ गया कि जब आप परचेज करते हैं पैसा जाता है तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट टू बैंक जब इंटरेस्ट आता है बैंक टू इंटरेस्ट जब सेल करते हैं तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट साथ में जब भी सेल होगी प्रॉफिट लॉस निकलेगा प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी पी एंड एल एंड एल क्रेडिट हो जाएगा और अगर लॉस है तो रिवर्स पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट और जितना टोटल इंटरेस्ट मिला आपको वो सारे का सारा हम उठाकर लास्ट में पी एंड एल के अंदर भेज देते हैं तो ये बेसिक्स सारे हमने समझ लिए अब हम एक जगह पर इसकी जर्नल एंट्री सारे की सारी एक, सारी एक साथ लिख देते हैं ठीक सारे के सारे जर्नल एंट्रीज इसकी एक साथ लिख देते हैं हेडिंग दे रहे हैं जर्नल एंट्रीज तो सारी जर्नल एंट्रीज एक साथ सीरियल नंबर नम्... सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स और जर्नल एंट्री सीरियल नंबर वन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज के वक्त क्या एंट्री होगी हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है कॉस्ट प्राइस इसमें आता है जी इंटरेस्ट का अमाउंट और बैंक में आता है टोटल पेमेंट जितना आपने टोटल अमाउंट पे किया कॉस्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट वाले में और बैंक में टोटल पेमेंट जितना किया रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट पर जब इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट वेरी सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट से आएगी इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह इंटरेस्ट के अमाउंट से उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो भाई पैसा आएगा हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये लीजिए इन्वेस्टमेंट के सामने क्या आएगा सेल वैल्यू इंटरेस्ट में क्या आएगा जो इंटरेस्ट अमाउंट अपने को मिला ये कब से कब तक का मिलता है टोटल टोटल कितना मिला वो आएगा बैंक में चपत्तर लक नंबर और जब सेल होगा तो हमने एक और चीज सीखी थी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हां जी हमने कहा था अगर प्रॉफिट होगा अगर प्रॉफिट होगा या फिर अगर लॉस होगा अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू तो, पीएडल अकाउंट और अगर लॉस है तो पी एंडल अकाउंट डेबिट टू तो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लल लल बेघयाली में भी तेरा ही खयाला ए और किस चीज की एंट्री सीखे थी जी अब ये मत करना सर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिख चुके ईयर के एंड पे क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हम यहां क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सीख रहे एंट्री हम यहां सीख रहे हैं कि ओवरऑल कितने टाइप की एंट्री हो सकती है कितने प्रकार की एंट्री हो सकती है तो परचेज की हो गई इंटरेस्ट रिसीव करने की हो गई इन्वेस्टमेंट की सेल हो गई प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल हो गया और बस एक बचा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल कब होता है ये एट ईयर एंड एट ईयर एंड होता है जी तो क्या होगी एंट्री इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अकाउंट ये एंट्री जो है होगी जो इंटरेस्ट है वो हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में ओके जो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना उसके साथ लिख लेना ऑन ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये एंट्री कब होगी ऑन ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सभी एंट्रीज कब हो रही हैं? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज की एंट्री कब करोगे जब ट्रांजेक्शन हुई सेल की एंट्री कब करोगे जब सेल की ट्रांजेक्शन हुई प्रॉफिट लॉस सेल कब निकालोगे जब सेल की ट्रांजेक्शन हुई तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर आपकी जर्नल एंट्रीज बनती हैं ये भी हमने सीख लिया मैंने पहले कहा था एस सच एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें चैप्टर में लेजर अकाउंट बनाने को आता है तो उसके लिए एंट्रीज आनी चाहिए जरा लेजर अकाउंट भी एक बार बनाकर देख लेते हैं लेजर अकाउंट भी एक बार बनाकर देख लेते हैं मैं आपको एक फॉर्मेट जो है बनवा देता हूं सो दैट इजी रहेगा ओके लेजर अकाउंट हेडिंग दे देती फ्रेश पेज पर बुक्स ऑफ डैश यहां पर किसका नाम आएगा मिस्टर इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर है उसका नाम आएगा यहां पर वो कहेगा जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश कब से लेकर कब तक का बना रहे हैं वो वाला बेसिकली आ जाएगा समय और ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्रिप्ट डैश स्क्रिप्ट का मतलब सिक्योरिटी नाम लिखेंगे उसका जैसे मान लो ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर ऑफ काका लिमिटेड वो आ गया यहां पर तो ये शुरुआती चीजें उसके बाद आएगा आपका मेन अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड अमाउंट सिमिलरली डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड अमाउंट बेसिकली लास्ट कॉलम जो है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है हमने अपने एंट्रीज में जहां जहां इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा था बेसिकली ये उसे रिप्रेजेंट करता है जहां जहां इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा था ना हमने ये उसे रिप्रेजेंट करता है जी सो so, एक साथ तीन कॉलम बनेंगे डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट और सेम चीज आपको क्रेडिट साइड पर दिखेगी अमाउंट की तीन कॉलम बनाए नॉमिनल फॉर रेफरेंस ये रेफरेंस के लिए जैसे तीन हजार डिबेंचर थे तो हम यहां पर तीन लाख लिख देंगे तीन हजार डिवेंचर सौ रुपए का एक नॉमिनल वैल्यू यहां पर लिखनी है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अकाउंट जो लिख रहे थे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये वो वाला अकाउंट होगा और एक अमाउंट लिखने के लिए सिर्फ हेडिंग लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आपने ऊपर लिखा ना हेडिंग सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेकिन इसके अंदर अकाउंट दो हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट का भी है तो इंटरेस्ट भी साथ साथ यहीं पर लिख दिया जाता है अब हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन सीखी देखते हैं एक हमने सीखा परचेज की ट्रांजेक्शन एक हमने सीखा परचेज की ट्रांजेक्शन तो डेट जो भी होगी हम कहेंगे टू बैंक अकाउंट वैल्यू आ गई जब आपने परचेज किया तो आपने इंटरेस्ट भी दिया था और कॉस्ट भी दी थी उसके अलावा हमने क्या सीखा आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट जब मिला तो हमने क्या बोलता इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आया बाय बैंक अकाउंट ओके मैं इसके साथ साथ ये भी लिख देता हूं ये कौन सी एंट्री है परचेज ये क्या लिख रहे हैं रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कहां जाएगा अमाउंट ऑब्वियसली ओनली एंड ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट जाएगा नॉमिनल में कुछ नहीं अमाउंट वाले में कुछ नहीं क्योंकि एंट्री क्या थी बैंक टू इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट में आ रहा है बाय बैंक कोई और कॉलम इफेक्ट नहीं होगा फिर आपने जब सेल की जब आपने सेल की आपने बोला बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट तो यहां आया फिर से बाय बैंक अकाउंट आपने जो बेचा उसकी फेस वैल्यू कितनी थी इंटरेस्ट कितना मिला सेल पर और अमाउंट ये कब कर रहे हैं सेल की एंट्री जब हमने इन्वेस्टमेंट सेल की उस वक्त मेरे तीनों कॉलम अफेक्ट होंगे जैसे परचेज के वक्त तीनों कॉलम है मैंने पैसा भी दिया कॉस्ट का मैंने इंटरेस्ट का भी दिया और फेस वैल्यू आ गई सिमिलरली सेल के समय भी तीनों चीजें आ गई जब सेल किया तो हमने कहा था प्रॉफिट लॉस हो सकता है प्रॉफिट था तो हमने बोले इन्वेस्टमेंट टू पी एन एल तो यहां आया टू पीएनएल अकाउंट ये क्या है प्रॉफिट ऑन सेल कहां आएगा ना नॉमिनल में कुछ अमाउंट ना इंटरेस्ट में सीधा अमाउंट कॉलम में एंट्री क्या थी इन्वेस्टमेंट टू पी एंडल तो इन्वेस्टमेंट वाले में गया मैं नोट करने का समय दे दूंगा डोंट वरी और अगर लॉस था तो बाय पी एंडल अकाउंट ये कब अगर लॉस ऑन सेल हुआ तो रिवर्स एंट्री नॉमिनल में कुछ नहीं इंटरेस्ट में कुछ नहीं सिर्फ अमाउंट कॉलम के अंदर वैल्यू आएगा सिर्फ अमाउंट कॉलम के अंदर इंटरेस्ट मिल गया सारी ट्रांजेक्शन हो गई परचेज सेल सेल के ऊपर प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट मिल गया अंत में हमने क्या सीखा था कि जो भी इंटरेस्ट होगा उसे एल में ट्रांसफर कर देना साल के अंत में तो एंट्री क्या की थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू एल तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आ गया टू एल अकाउंट जितना इंटरेस्ट था ये बेसिकली आप अंत में क्या करते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ये हो क्या रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल ये काइंड kind ऑफ of आपका बैलेंसिंग फिगर इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया सिमिलरली हो सकता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी थी सारी ना बेचू कुछ बच जाए तो एट द एंड हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने की फेस वैल्यू बची और कितनी उसकी अमाउंट है जो मेरे पास बची है ये क्या है बैलेंस बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की तरह है और यहां पर इसका होता है जी टोटल अभी मैं नोट करने का समय दे रहा हूं आप बच्चे आराम से इसे नोट कर लेंगे जी अकाउंट को क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पर जाएंगे तो वहां हमसे मेजर रिक्वायरमेंट यही पूछी होगी ओके आई होप ये नोट हो गया बेटा तो यहां पे एक दो चीज मैं वापस से बता दू दिखने में क्या है सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेकिन प्रैक्टिकली इसमें दो अकाउंट है एक इंटरेस्ट का अकाउंट ही बन रहा है और दूसरा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ही बन रहा है दूसरी चीज बच्चे के पर पूछते हैं सर इंटरेस्ट का अमाउंट पीएंडल में ट्रांसफर क्यों कर दिया बेटा इंटरेस्ट के नॉमिनल अकाउंट सीधा पीएंडल में जाएगा हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल तक नहीं लेकर जा रहे अगले साल में अपना इंटरेस्ट आएगा फिर उस साल के अंत में पी एंड एल में लेकर जाया जाएगा हम कैरी डाउन नॉर्मली किन चीजों करते जो एसेट है अलायबिलिटी जैसे इन्वेस्टमेंट है मेरा एसेट है मैंने उसको कैरी डाउन कर दिया अगले पीरियड में डाउन हो जाएगा लेकिन इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता ठीक है हमने जर्नल एंट्री सीख ली लेजर अकाउंट सीख लिया एग्जाम के अंदर मेनली क्या आएगा लेजर अकाउंट अभी हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं छोटा सा है छोटे छोटे करते हुए कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है इस चैप्टर में एक मेन चीज रहती है उस पर आ रहे हैं चैप्टर का फ्लो यही है पूरा एफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है जो सीखा है आज होमवर्क नहीं मिलेगा कोई भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ करना नहीं ये जो सीखा है भाई ये मेन है कल मैं वापस ये चीज नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली आज दो घंटे इसके ऊपर लगा रहे तो नेक्स्ट वापस दो घंटे नहीं लगा सकते आई विल एज्यूम कि आप ये सब पढ़कर आएंगे परचेज के समय क्या होता है कितना इंटरेस्ट होता है कौन किसको दे रहा है कितना रुपए का दे रहा है जर्नल एंट्री क्या होती है फिर इंटरेस्ट की डेट आती है तो इंटरेस्ट कंपनी क्यों देती है किसको देती है कितने समय का देती है और इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री इन्वेस्टर क्या करता है फिर इन्वेस्टर जब सेल करता है तो सेल के समय उसे किस किस चीज का पैसा मिलता है क्या सिर्फ सेल वैल्यू मिलती है इंटरेस्ट भी मिलता है इंटरेस्ट मिलता है तो कितने समय का मिलता है क्यों मिलता है उसके रीजनिंग लॉजिक और क्या जर्नल एंट्री होती है जब आपने सेल किया तो भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कैसे कंप्यूटेशन होगा उसका इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ट्रांसफर टू पी एंड एल ये सब चीजें आपको पढ़कर आनी होंगी फिर एक गो में हमने सारी जर्नल एंट्री जैसे लिखी आपको पढ़कर आनी होंगी सारी विद लॉजिक पता होनी चाहिए कौन सी एंट्री में क्या डेबिट क्या क्रेडिट क्यों हो रहा है और उसका लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सब चीज एक ही बार होगी पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है राइट इसीलिए इतना समय लगा है आगे आइए कॉन्सेप्ट नंबर चार कॉन्सेप्ट नंबर चार एफ आई बी एस एक्टर बी एस एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है बेटा आप लिखो तो सही बच्चे कह रहे सर एक्स लिखवाते हो थोड़ा दिल दहल जाता है सर पुरानी यादें ताजा हो जाते हैं बेटा ई एक्स है एक्स सर हम भी वही कह रहे हैं बेटा ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट के साथ ताल्लुक आता है बेटा आप कहीं और चले गए वापस आओ सर वो मुझे पूछते होते थे बेबी थाना था लिया बेटा छोड़ दो पढ़ाई कर लो बेबी थाना था लिया बेबी थी को प्यार में इतना तुतला हो जाता है और फिर जब बाद में याद आती है फिर गुस्सा आता है बेबी थाना था लिया क्या बेबी थाना था लिया बेबी जानू सोना मोना सब खत्म आइए जी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या मतलब है इसका एक्स इंटरेस्ट क्वेश्चन कई बार ना आपको लिखकर बताता है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले परचेज किया सेल की ट्रांजेक्शन की तो उसमें हमने कहा जब आपने परचेज गई परचेज थ्री एट द रेट नाइनटी नाइन मान लो उसके साथ लिख दे एक्स इंटरेस्ट तो क्या होगा ठीक है ना सेल किया नाइन्टी एट पर एक्स इंटरेस्ट लिख दे तो क्या होगा तो समझना एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन मतलब इंटरेस्ट के साथ लेना देना कोई नहीं है जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा या इंटरेस्ट आप पी एंड एल में लेकर के वहां इसका यूज नहीं ट्रांजेक्शन जब होती है सेल परचेज की वहां पर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा इफ ट्रांजेक्शन इज

it means price of transaction is separate and and interest is separate if transaction is stated to be x interest it means price of transaction is separate and interest is separate that is price of transaction doesn't include interest प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन डजेंट इंक्लूड इंटरेस्ट यह प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है परचेज के केस में जिसे आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हो और सेल के समय जिसे आप सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हो उसकी बात हम कर रहे हैं आराम से सुनते जाइए सब चीज क्लियर हो जाएगी मान लो मुझे खरीदने हैं आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है हाँ आपके पास जो बच्चा देख रहा है आपसे आप पूछा ये डिबेंचर दोगे कितने का दोगे आप कहते इतने रुपए का लिट से सौ रुपए की फेस वैल्यू आपने मेरे को बोला कि आप मेरे को एक सौ पांच का बेचोगे और आप कहते कि मैंने कहा यार मार्केट में तो मेरे को एक सौ चार का ही मिल रहा है तुम थोड़ा कम करो ना तो आपने मेरे को क्या बोला कि इस 105 के अंदर ही इंटरेस्ट भी है तुम इंटरेस्ट का अलग से मत देना नॉर्मली हमने क्या सीखा अभी कि जब हम परचेज करते हैं मुझे दो चीजों का पैसे देना है कॉस्ट का और इंटरेस्ट का लेकिन पार्टी के एक सौ पांच के अंदर इंटरेस्ट भी है तो अलग से मत दियो वो क्या है वो होता है कम इंटरेस्ट कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकिन ये क्या एक्स इंटरेस्ट मैंने पार्टी को बोला यार एक 105 का मत दो 104 का दो पार्टी थी, कहती है 104 का देंगे, फिर आप इंटरेस्ट का देंगे देना यानी कि जो एक रुपए का प्राइस मुझे लगाया जा रहा है इट इज अदर देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट अलग से है ये होता है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले पूरा एग्जाम्पल किया वो पूरा एक्स इंटरेस्ट लेकर ही किया हमने याद दिलाऊ आपको ये देखिए सिर्फ मेरी स्क्रीन पर ही देख लो अपना मत निकालना अभी क्वेश्चन वापस कहीं पेज पलटो ये देखो जब हमने एक जून को परचेज की ट्रांजेक्शन करी थी तो नाइनटी एट इन्वेस्टमेंट के सामने क्या लिखा है और इंटरेस्ट हमने निकाला छह हजार और ये टोटल पेमेंट कितना लिखा मैंने तीन लाख यानी कि ये एक्स इंटरेस्ट था जो ये प्राइस है नाइन्टी एट इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिना इंटरेस्ट की वैल्यू दो लाख चौरानवे हजार इंटरेस्ट छह हजार तो टोटल मैंने पेमेंट कितना किया तीन लाख रुपए का मतलब ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन थी जो प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन है जो हमने क्या लिखा जो प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन है वो अलग है इंटरेस्ट अलग है और प्राइस के अंदर जो मेरे एग्जांपल में 98 एट था उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है राइट right? तो ये होता है जी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन इसे कहते हैं एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन ओके हमारे पास एक क्वेश्चन है वी हैव गॉट वन क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे आज सिर्फ स्टार्ट करेंगे ठीक है ना मुझे पता है आप बच्चे घड़ी की तरफ देखने लग जाते हो छोड़ दे यार राहुल यार कल पढ़ा लियो प्लीज यार राहुल भाई बन के यार बच्चे बहुत कुछ बोलते रहते हैं स्क्रीन से देखकर बातें करते हैं घंटों घंटों प्यार हो जाता है बच्चों को हे राहुल सर प्लीज राहुल सर छोड़ दो तो वो मैं समझ लेता हूं बच्चों के दिल की बात बताइए क्वेश्चन नंबर वन पढ़ रहे हैं परचेस्ड ए परचेज थ्री हंड्रेड सेवन परसेंट डिबेंचर सेवन परसेंट क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपी हंड्रेड इच ये क्या होता है फेस वैल्यू फॉर रुपी ट्वेंटी एट थाउजेंड फर्स्ट मे टू थाउजेंड फिफ्टीन तो जो मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको उसमें क्या था क्वेश्चन बता रहा था एक डिबेंचर नाइनटी नाइन पर खरीदा नाइनटी एट पर बेचा यहां आपको टोटेलिटी में बता दिया क्या फर्क पड़ता है हमें तो ओवरऑल अमाउंट चाहिए तो तीन सौ डिबेंचर खरीदे अठाईस हजार रुपए के he sold हंड्रेड डिबेंचर फॉर रूपी थर्टीन थाउजेंड तीन सौ खरीदे जिसमें से आपने सौ बेच दिया कब तीस नवंबर दो हजार पंद्रह को इंटरेस्ट कब कब मिलता है तीस जून और इकतीस दिसंबर को हर साल और आपकी बुक्स क्लोज होती हैं थर्टी दिसंबर को यानी कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे वो दिसंबर आप बनाओगे क्वेश्चन कह रहे प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन फॉलोइंग केसेस तो हमारे लिए सिर्फ अभी एक केस है एक्स इंटरेस्ट क्वेश्चन कह इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ करिए एक्स इंटरेस्ट कोई बात नहीं आइए तो हम कर रहे हैं आंसर वन ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे सिर्फ क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं देख रहे हैं कि हुआ क्या है क्वेश्चन में जैसे टाइमलाइन जिसको कहते हैं, तो हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं जी ये प्रश्न मेरे सामने आपका ईयर थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक चलता है यानी कि कब स्टार्ट होता है फर्स्ट जनवरी को क्वेश्चन में 2015 बताया गया तो एक जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक का ही रहेगा क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ ए परचेज थ्री हंड्रेड सेवन परसेंट ऑफ हंड्रेड इच फॉर रुपी ट्वेंटी एट थाउजेंड फर्स्ट में अच्छा इससे पहले सॉरी हम इंटरेस्ट की डेट्स मार्क कर लें तीस जून और इकतीस दिसंबर तो थर्टी जून 2015 फिफ्टीन ये है हमारी इंटरेस्ट की डेट और थर्टी दिसंबर भी है हमारी इंटरेस्ट की डेट अब हुआ क्या एक मई दो हजार पंद्रह मतलब कि यहां कहीं एक मई दो हजार पंद्रह को आपने क्या किया परचेज किए 300 सौ डिबेंचर परचेज थ्री हंड्रेड डिवेंचर एंड सोल्ड हंड्रेड डिबेंचर ऑन थर्टीएथ नवंबर तो थर्टीथ नवंबर कहां होगी लेट से यहां मार्क कर लेते हैं थर्टीएथ नवंबर फिफ्टीन आपने क्या किया सोल्ड हंड्रेड डिबेंचर तो यह हम मार्क कर रहे हैं सो देट हायरकी में पता चले तो जब हम इस क्वेश्चन का है अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले क्या होगा एक मई को आपने परचेज किया तो एंट्री आएगी टू बैंक वाली मतलब आपने का पैसा जा रहा है किस किस चीज का पैसा जाएगा दो चीजों का एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दूंगा और दूसरा इंटरेस्ट दूंगा जो हमने सीखा कब से कब तक एक जनवरी से लेकर एक मई तक का जब भी इंटरेस्ट निकालोगे परचेज या सेल के समय तो हमेशा होगा फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का और फिर 30 जून 2015 को इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्योंकि डिबेंचर आपके पास है कितने का पूरे छह महीने का राइट फिर 30 नवंबर को आपने सेल किया तो आपको पैसा आएगा एक तो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंटरेस्ट का पैसा आएगा दो चीजों का पैसा इंटरेस्ट कितना प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का और 31 दिसंबर को फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि सारे डिबेंचर सेल नहीं किया आपने 300 में से 100 बेचे थे तो 200 डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको आएगा वो इन अकाउंट वगैरह सब कल करेंगे आज नहीं कर रहे सिर्फ एक चीज में काउंटर चेक कर लू मैंने आपको सारी डिटेल लिखा दी कुछ रहे तो नहीं गया कंपनी द इंटरेस्ट एज पर एंड फ्रीक्वेंसी इंटरेस्ट इज पेड बाई दैट कंपनी ठीक है ठीक हो गया जी हमने यहां पर भी लिख लिया था ये देखिए ये वाली चीज बेहद महत्वपूर्ण है मैं यही कह रहा हूं कि जब आपने परचेज किया तो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं कब से कब तक का लास्ट डे से लेके टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सिमिलरली जब सेल किया था तो यहां भी क्या लिखा फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जब भी परचेज और सेल की बात होती है परचेज और सेल की जब भी बात होगी मतलब एंट्री नंबर वन और एंट्री थ्री में मैं यहां पर लिख रहा हूं एंट्री वन एंड एंट्री थ्री में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैसे कंप्यूट होता है फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर यानी कि टिल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंट्री वन और एंट्री थ्री यानी कि जो परचेज और सेल की एंट्री है उसमें इंटरेस्ट कितने पीरियड का आता है पिछली डेट को जब लेटेस्ट इंटरेस्ट मिला लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज आपस में सेटल करती हैं लेकिन जब हमने ये लिखा था रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट जब ये लिखा था रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए भी लिख देते एंट्री नंबर टू एंट्री नंबर टू में इंटरेस्ट का अमाउंट मतलब जब आपको एक्चुअल में रिसीव होता है इंटरेस्ट जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से तो वो कैसे मिलता है फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट तक मिलता है तो ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन है तो पिछली इंटरेस्ट डेट से लेकर सिर्फ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का क्योंकि मुझे इतना ही सेटल करना है अगर मैं किसी पार्टी से खरीद रहा हूं ठीक है ना तो मैं उसको उतना इंटरेस्ट दूंगा जितना उसका पिछली डेट से लेकर आज तक का बन चुके क्योंकि उतने पीरियड का पार्टी को बिलोंग करता है मैं आपसे अगर इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा दो महीने से आपको इंटरेस्ट नहीं मिला पिछले इंटरेस्ट दो महीने पहले मिला था दो महीने हो चुके अब मैं आपसे खरीद रहा हूं तो दो महीने का तो आपका बनता है ना तो आई विल पे यू कितने का दो महीने का ठीक है ना कैसे बना दो महीने लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक लेकिन जब इंटरेस्ट की डेट आएगी पूरे छह महीने का मिलता है किसको जिसके पास होता है तो इसलिए हमने लिखा एंट्री टू में इंटरेस्ट अमाउंट कितना आता है फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट तक का पिछला का मिला तीस सितंबर आज इकतीस मार्च तो पूरा छह महीने इस प्रकार से जो अकाउंटिंग की जाती है jitna bhai aaj karaya hai sare ka sara padh kar aane kal dabadab humne question karne theek hai na kal kafi sare concept hamare honge kyunki chote chote concepts hain uske baad fir full fledged question par hum aa jayenge aaj ka session ethe aap pa karde end bahut bahut badhaiyan toanu nava chapter start hoya hai inna padh ke ayo ta aage chapter bahut aasan hai te chapter important hage exam vich question aa janda hunda hai theek hai ji appa da lecture karde khatam milange toanu next lecture vich tab tak ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੂਬ ਬਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਏ ਬਾਏ